हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग गेमिंग भी करते हैं, कंटेंट क्रिएशन वाला काम करते हैं और एक ऐसा मॉनिटर ढूंढ रहे हैं जो कि ऑलराउंडर हो, यानी कि वहाँ पर पैनल भी अच्छा मिले और गेमिंग एक्सपीरियंस भी वहाँ पर आपका अच्छा हो। तभी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इंटरनेट पर सर्च कर रहा था और मुझे एक व्यूसोनिक का एक मॉनिटर मिला जो कि काफ़ी कम प्राइस पर आता है और एक डिज़ाइनर मॉनिटर है, यानी कि जो कलर पैनल में आपको देखने को मिलने वाले हैं वो ऑलरेडी फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देते हैं। अब अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो यार बॉक्स में आपको आपका मॉनिटर देखने को मिल जाता है, आपको आपका स्टैंड देखने को मिलता है और काफ़ी सारे यहाँ पर केबल्स भी देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर चाहे HDMI केबल यूज़ करना चाहते हो या DP केबल यूज़ करना चाहते हो या मिनी HDMI केबल यूज़ करना चाहते हो, सारे केबल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बॉक्स में यहाँ पर जो आपको स्टैंड देखने को मिलता है ना, उसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। लिटरली आपको केवल एक स्लाइड करना पड़ता है और एक स्क्रू टाइट करना पड़ता है एंड यू आर गुड टू गो। अब मॉनिटर के साथ जो आपको स्टैंड देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, यानी कि अगर आप मॉनिटर की हाइट एडजस्ट करना चाहते हो या रोटेट करना चाहते हो या टिल्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। बाकी मॉनिटर के नीचे आपको ढेर सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं तो कनेक्टिविटी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी मॉनिटर के बैक साइड पे आपको ढेर सारे बटन्स देखने को मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप चाहो तो नेविगेट कर सकते हो। एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि नीचे वाला बटन थोड़ा सा सर्कुलर है तो आप गलती से मॉनिटर को ऑफ नहीं करोगे नेविगेट करते टाइम। बाकी अगर मैं आपको लुक वाइज बताऊँ ना तो यहाँ पर जो आपको इस मॉनिटर में डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है वो एक फ्रेमलेस डिज़ाइन है, यानी कि चारों तरफ मॉनिटर के जो आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं ना वो बहुत ही कम है, तो फाइनल लुक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उभर कर आता है। नाउ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हमारे पैनल के बारे में। यहाँ पर जिस मॉनिटर में आपको पैनल देखने को मिलने वाला है वो 23.8 इंच का एक IPS पैनल है जो कि आता है LG की तरफ से। इस पैनल के बारे में अगर मैं आपको खास चीज बताऊं तो भाई ये फैक्ट्री से ही आउट ऑफ द बॉक्स कैलिब्रेटेड आता है, आपको ज्यादा कुछ कलर के साथ छेड़छाड़ करनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ द बॉक्स जो कलर देखने को मिलते हैं वो कैलिब्रेटेड होते हैं, अच्छे होते हैं। आप यहाँ पर चाहो तो बिना कैलिब्रेशन करे ही अपने वीडियो एडिट या कलर करेक्शन वाला काम आराम से कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है वो केवल 60Hz का है जो कि मैं मानता हूँ कैजुअल यूज़ के लिए बहुत ही है। बाकी यहाँ पर आपको 5 मिलीसेकंड का G2G रेस्पॉन्स टाइम भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है वो है 1920x1080 यानी कि फुल HD रेजोल्यूशन। अब जैसे कि यहाँ पर जो पैनल मिल रहा है वो लगभग 24 इंच का पैनल है, फुल HD रेजोल्यूशन के हिसाब से मैं मानता हूँ 24 इंच एक परफेक्ट साइज होता है। तो यहाँ पर आपको पिक्सेलेशन वाली प्रॉब्लम कोई भी नहीं होने वाली। टेक्स्ट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। बाकी आप में से जो लोग डिज़ाइनर हैं, थोड़ा सा इसके कलर कैलिब्रेशन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है कि भैया थोड़ा बहुत हमें इसके टेक्निकल डिटेल भी बता दो, तो यहाँ पर मैं कुछ ग्राफ्स अटैच कर दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। जिन लोगों को थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में समझना है, ईजी भाषा में समझना है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको sRGB का 100% कवरेज देखने को मिलता है और जो यहाँ पर इस मॉनिटर में कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि आप में से जो लोग कलर करेक्शन वाला काम करना चाहते हो, आप चाहे फोटोशॉप चलाना हो या वीडियो एडिटिंग भी करना हो ना, आप आराम से कर सकते हो। जो चीज़ आप इस मॉनिटर में देखने वाले हो वही चीज़ आपकी ऑडियंस देखती है, तो यहाँ पर आपको कलर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि अब जैसे कि ये एक IPS पैनल है तो यहाँ पर जो आपको व्यूविंग एंगल्स देखने को मिलने वाले ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होंगे। 178 डिग्री तक भी अगर आप चले जाते हो ना तो कलर में कोई शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो जैसे कि YouTube वीडियोस देखना या मूवीज देखना, आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बात आती है अगर IPS ग्लो की, तो यार लिटरली हर IPS मॉनिटर में आपको ये इशू तो देखने को मिलता ही है। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली है, हालांकि ये इशू कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करने को मिले, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। दूसरी तरफ अगर आप इस मॉनिटर पर गेमिंग करने बैठ जाते हो, आप ये जानना चाहते हो कि यहाँ पर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूँ यार यहाँ पर जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है ना वो अच्छा होता है। हालांकि शर्त यह है कि अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग नहीं करते हो तो 60 FPS पे अगर आप गेम्स खेलना चाहते हो, थोड़े से स्टोरी मोड वाले गेम्स खेलते हो ना, आप यहाँ पर आराम से खेल सकते हो। यहाँ पर पैनल का जो कलर रिप्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप गेम्स को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। जो कलर्स देखने को मिलता है, जो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप में से जो लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का काम करना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग उनकी प्रियोरिटी है, साथ में थोड़ा बहुत कभी कभी कैजुअली स्टोरी मोड वाले गेम्स भी खेलना चाहते हैं ना, इस मॉनिटर के साथ जा सकते हैं। मुझे फिलहाल इस मॉनिटर में कोई भी कॉन देखने को नहीं मिला जो कि मैं इस वीडियो पे मेंशन करता। तो आप में से जो लोग इस मॉनिटर को लेने में इंटरेस्टेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस मॉनिटर का बेस्ट बाय लिंक दिया हुआ है, जाकर चेक भी कर सकते हैं।
वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।